अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है सारे दोस्तों? आज मैं गलती करते हैं 96% से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है सारे दोस्तों आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये मुर्गियाँ बाहर ही हैं, मैंने इनके लिए ना ये लगाया हुआ है बांस, इसके ऊपर ही रात बैठती हैं। अब केज को मैंने बंद ही कर दिया पक्का पक्का, ताकि इनका झगड़ा ही नहीं ख़त्म हो रहा था, इसलिए खुली जगह पर बैठी रहती हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती, बाहर ही बैठी रहती हैं। और कल मैंने छत की सफाई वगैरह कर दी थी, ये देखें दोस्तों सारी सफाई उधर मुर्गी के लिए, और इधर जाल की सफाई वगैरह, और इधर सारी सफाई कर दी तो कल की ही, आज फिर इन्होंने इतना खलारा डाला हुआ है दोस्तों। चलो इनको दाना वगैरह डालते हैं, और इनको मैंने सारे कबूतर वगैरह बच्चे जितने भी थे ना भूखे रहते थे, इनको मास्टर केज में छोड़ दिया, दूध रहते हैं माशाल्लाह। आज ना गुग्गी भी काफ़ी बेहतर हो गई है, ये देखें डब काफ़ी आगे से बेहतर हो गई है, इसका इलाज किया था मैंने, तो माशाल्लाह ना दो दफ़ा इसको मेडिसिन दी है, काफ़ी बेहतर हो गई है। और तोते वगैरह माशाल्लाह मेरे फ्रेश हैं, इनके लिए रोटियां लेके आया हूँ, नीचे से रोटियां वगैरह डालते हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखें बग्गू तो माशाल्लाह ठीक है, कालू कल ना डेड हो गया था, उसको नहीं बचा पाए हम, वो बेचारा डेड ही हो गया, पानी इनका ख़त्म हुआ पड़ा है, पानी पर तीन जगह पर पड़ा हुआ है इनका, इधर भी है जाल में भी है और बाहर भी है। ये देखिए जाल में सारे कबूतर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ ऊपर बैठे होते हैं, कुछ इधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं, ये सारे मैंने केज खोले हुए हैं, इधर बैठते रहते हैं। इधर मैंने दाना डाला था बाल्टी में, मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया कुछ कुछ, हाँ ज़्यादातर इनको रोटियाँ और दाना डालते हैं, बाकी सोचते हैं सब जी ठीक है। दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि बाहर ना चले जाएं, बाद में अंदर नहीं आते। बग्गू भी ना बाहर निकाला, थोड़ा फ्रेश हुआ है, अंदर छोटी जगह थी तो उधर बैठ बैठ टांगों पर ज़ोर डाल रहा था, तंग नहीं करना। ये देखे दोस्तों ये बच्चे निकले हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं, और एक बच्चा ये रहा, हाँ ये वाला, ये भी बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया। लक्कों के बच्चे दोनों ठीक है माशाल्लाह, काफ़ी बड़े हो गए लक्की के, ये उधर दाना वगैरह देने उनको, और इधर ये लक्कों के अंडे पड़े हैं, इसको उठाना पड़ेगा। ये बच्चे के देखे मुंह पे कितने दाने बने हुए हैं दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इसको आज इलाज करते हैं बाहर निकाल के, इसको लहसुन वगैरह ना कट करके उसका पानी निकाल के ऊपर लगा देंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, दो दफ़ा लगाएंगे, ये मच्छर की वजह से बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा इधर से, यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में करना पड़ेगा, ऊपर वाले बॉक्स में है तो नहीं कुछ नहीं। और उधर बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए माशाल्लाह, वो वाइट कलर में निकले हैं, काफ़ी प्यारे हैं। लक्की बैठी हुई है जगह, पता नहीं अंडा वगैरह दिया है उसने, ये वैसे ही बैठी हुई है लक्की, वो देखें शायद उधर अंडा वगैरह दिया हो, देखते हैं दोस्तों। बाकी कबूतर ये ऊपर है, ये नए वाले हैं जो वाइट वाले बच्चे, इनको अभी मैंने बाहर छोड़ के देखा नहीं है, तो देखते हैं ये देखो कैसे ना प्यारा कैसे खड़ा है, ये मेरे ख्याल में कबूतरी बनेगी, ये मेरे इसके बच्चे हैं अभी, ये गोला कबूतर बोलते हैं इनको, ये इनकी उड़ान नहीं होती, पर ये एक घर के पक्के बहुत होते हैं, इनकी उड़ान कम होती है दोस्तों। और ये तीन कबूतर हैं मेरे घर के, जो ये वाली कबूतरी बहुत पुरानी है मेरी, काफ़ी ऊंची की है, पर ये ना खट्टी आँख में, तो अभी बच्चे इसमें निकाले हुए हैं, वो लगी है इस काले के साथ, ताकि अच्छी कबूतरी और ऐसा कबूतर हो बच्चे काफ़ी अच्छे निकलते हैं, उनकी उड़ान अच्छी बन जाती। बाहर आते हैं, बाहर देखते हैं दोस्तों, मुर्गियों को ना कुछ डाल देते हैं, इनके लिए मैं लेके आया था, इनको इधर भी दाना वगैरह डाला होता है बाहर वगैरह, ये पानी देखे बाहर भी पड़ा हुआ है, कबूतर अब पता चल गया मैं ऊपर आ गया हूँ तो ज़्यादातर जाल में आ जाएंगे। इनको ये डाल देते हैं थोड़ा सब्ज़ा लेके, ताकि ये ना इधर खाते नहीं, अभी देखे सफाई कितनी हुई थी, और इसमें ही ये थोड़ी इसी में ही हम चावल और चावल थोड़े से कबूतर भी खा लेंगे मेरे ख्याल में,
थोड़ी सी रोटी है वो भी इनको डाल देते हैं दोस्तों। आ जाओ, ये अभी केला ही है लालू, और ये इसके साथ लगी हुई है अभी लालू केला ही है दोस्तों। बाकी तो इसकी जो लाल हैगी थी मैडम वो बेचारी डेड हो गई दोस्तों। मैं तो वो कबूतरी समझता था, मेरे ख्याल में वो कबूतर है। कभी कबूतरी लगती है कभी कबूतर लगता है, उसका पता नहीं चल रहा जो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। तो पीछे वाली तो कबूतरी है पक्का पता है उसका दोस्तों। ये देखे माशाल्लाह अभी थोड़ी फ्रेश है, पर ये पता नहीं क्यों उस अपनी बास्केट में ना गंद डालती है, बाहर नहीं बैठती। उसकी मैंने लगाया भी हुआ है ताकि बाहर बैठा करे वो, पर ना अपने दाने वगैरह ख़राब कर लेती है। लेकिन इधर बैठ जाती है, पानी वगैरह इनका चेंज करते हैं और इधर देखते हैं दोस्तों। ये बायरा भी है, ये भी है, पानी भी है, सारा कुछ है। ये वाली कबूतरी है घर का बच्चा है दोस्तों, ये देखो आपको बाहर डाल दिया। काफ़ी तेज है माशाल्लाह दोस्तों, ये घर का बच्चा है, काफ़ी प्यारा है। बस यही एक दो बाहर निकालता हूँ, मैं कुछ नहीं, काफ़ी बाहर निकालता हूँ, एक दो हैं जो जिनको मैं बाहर नहीं निकालता, बाकी सब को बाहर निकाल देता हूँ। तो उनके पर इंशाल्लाह बांध देंगे, बांध के उनको बाहर निकाल देंगे, ताकि पर मेरे ना कट करने का इतना शौक़ नहीं है। एक दो के किए हैं वो लड़के आते थे छोटे बच्चे, उन्होंने कट किए हैं। अभी 2 घंटे हैं मेरे पास, ऊपर बैठते हैं इनके पास काफ़ी। हाँ सच्ची अंडे काफ़ी हो गए थे मेरे पास दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अंडे हो गए थे सील मुर्गियों के, वो मैंने इनक्यूबेटर में रखे हुए हैं। देखते हैं, अब 2 दिन हो गए हैं, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, तो 2 दिन हो गए हैं इंशाल्लाह वो जल्दी बच्चे निकाल देंगे। ये भी डरती नहीं है, हाथ में आ जाती है, पर ना नया करके इनको हाथ से रोटी वगैरह डालूंगा सेट हो जाएगी चला। फिर ये थोड़ी तबीयत सेट होगी ना इसकी तबीयत वगैरह, फिर इसके लिए दोस्तों नया पार्टनर या पार्टनर जो भी इसको चाहिए होगा वो लेके आएंगे। इनकी समझ नहीं आती है तो जोड़ा ही है, पर ये बच्चे नहीं निकाल रहे ना अंडों की तरफ आ रहे हैं, तो देखते हैं ये क्या करते हैं। चलो दोस्तों आज का ब्लॉग इतनी ख़त्म करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर फॉलो कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। और लाहौरी मिनी 96 को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।